ना गुंडा राज और ना भ्रष्टाचार के दावे वाली सरकार बार बार अपनों के निशाने पर ही आ रही है। कभी सांसद तो कभी विधायक और कभी मंत्री सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कानून व्यवस्था का हाल तो किसी से छुपा नहीं है, भ्रष्टाचार के दावों की पोल भी अपने ही खोल रहे हैं। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तो सरकार में भ्रष्टाचार का भाव बता दिया और एक विधायक तो तहसील में रिश्वतखोरी के आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। योगी सरकार में बढ़ा भ्रष्टाचार का भाव, भ्रष्टाचार पर अपनों से ही घिरी योगी सरकार, मंत्री और विधायक ने खोला मोर्चा। न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, भाजपा लाएगी ऐसी सरकार। न गुंडा राज और न भ्रष्टाचार का दावा करने के बाद सत्ता में आई बीजेपी सवालों में। कानून व्यवस्था को लेकर तो लगातार किरकिरी हो ही रही है, भ्रष्टाचार को लेकर भी सरकार अपनों के निशाने पर है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर लगातार अपने बयानों की वजह से सरकार की परेशानी बढ़ाते रहते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने भ्रष्टाचार की हकीकत बयां करते हुए सरकार को ही निशाने पर ले लिया और कहा कि योगी सरकार में काम कराने की कीमत 10 गुना बढ़ गई है। बोले, पहले जो काम 500 रुपए में हो जाता था अब वो 5000 रुपए में होता है। 500 रुपया थाने पर लेते थे घूस, ये सरकार में 5000 हो गया। ये सरकार है, हम सरकार में हैं। हटा देना ओम प्रकाश राजभर को, नहीं रहूंगा मंत्री, लेकिन थाने पर अगर गरीबों के साथ अन्याय होगा तो ओम प्रकाश राजभर बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा होता तो मोदी जी के मंत्रिमंडल में हम भी सुर में सुर मिलाते, उनके मंत्रिमंडल में सुर से सुर मिलाते, लेकिन मैंने मन बनाया हूं गरीबों कि उनके सुर में सुर नहीं, जरूरत पड़ेगी तो उनके पैरों में कील भी ठोक करके बाहर कर दूंगा। अधिकारियों की मनमानी की वजह से अपनी ही सरकार से सांसद और विधायक परेशान है। हाल ये है कि विधायक को अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ रहा है। भदोही जिले की औराई विधानसभा से विधायक और पूर्व मंत्री दीनानाथ भास्कर औराई तहसील में अपने समर्थकों और बीजेपी नेताओं के साथ धरने पर बैठ गए। विधायक का आरोप है कि औराई तहसील, ब्लॉक और थाना पूरी तरह भ्रष्टाचार से लिप्त है और यहां बिना सुविधा शुल्क लिए कोई काम नहीं होता। छोटे छोटे स्तर पर करप्शन है, दाखिल खारिज का मामला हो या वरासत का मामला हो या कहीं नापी कराने का मामला हो, इस तरह की छोटे छोटे मामले में जिसमें जनता को सहयोग देना चाहिए तो वहाँ पर बिना पैसा लिए काम नहीं किया जा रहा है। ये दुखद बात है और इसे हम लोग मुक्त कराना चाहते हैं। विधायक दीनानाथ भास्कर ने तहसील में फैले भ्रष्टाचार के लिए पत्र भी लिखा। इससे पहले भी दीनानाथ भास्कर पुलिस अधीक्षक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एसपी कार्यालय पर धरने पर बैठ गए थे। विधायक और मंत्री के मोर्चा खोलने के बाद योगी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है कि यहां दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। कोई दबाव की राजनीति नहीं चलेगी, कुछ भी होएगा वो दबाव की राजनीति से सरकारें डरती नहीं है, तो इसलिए कोई ये समझे कि दबाव की राजनीति से सरकारें जो हैं राज्य की डर जाएंगी, योगी जी की डर जाएंगी, तो वो गलत समझ रहे हैं। आज ये शर्म की बात है इस सरकार के लिए कि इनके मंत्री और इनके विधायक भ्रष्टाचार हो रहा है बता रहे हैं और सरकार अपनी वाहवाही लूट रही है, किस बात के लिए? जैसे आपने स्वेटर में देखा था, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए स्वेटर, आप बच्चों को स्वेटर नहीं दे पाए, जाड़े में बच्चे कपकपाते रह गए लेकिन स्वेटर नहीं मिले, क्योंकि खरीद जो थी वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई थी। सरकार की हर नीति भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है, यही नहीं, सिर्फ यही नहीं, और इनके तमामों सांसद और विधायक यही बात कह रहे हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी सम्मानित नेता हैं, उन्होंने पहले भी इस तरह के मसले उठाए थे, उन्होंने डीएम को लेकर मसले उठाए थे, सरकार ने कहा था कि वो उनकी जो समस्या है उनकी तरफ देखेंगे और आज फिर वो कह रहे हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। सरकार सभी जो फ्रंट हैं उस पर फेल होती नजर आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर हो, महिलाओं के प्रति सम्मान हो, डकैती की घटनाएं हो रही हैं, कासगंज में जो हुआ वो सबने देखा, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो संकल्प पत्र में वो वादा करके आए थे उन सभी वादों पे वो विफल दिख रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराध
और भ्रष्टाचार किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। माननीय विधायक और माननीय मंत्री लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए विधायक हैं, और कहीं अगर उनको ये बात समझ में आती है तो उन्होंने इस इशू को उठाया है। निश्चित रूप से सरकार इसको गंभीरता से लेगी। अगर कहीं भ्रष्टाचार के इशू आएगा तो जो भी भ्रष्टाचारी है उसकी जगह जेल होगी। ऐसे में साफ है कि जब मंत्री और सत्ताधारी दल के विधायक ही परेशान है तो आम आदमी का क्या हाल कहा जाए। कुछ हो ना हो, अगर योगी के मंत्री की मानी जाए तो सरकार में भ्रष्टाचार का भाव जरूर बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।